क्लास से रवाना हो चुके हैं चित्राल के लिए। हमारा दूसरा दिन का सफर शुरू हो चुका है। सर, ये लहजे के साथ जो गंदम से बनता है, लोकल गंदम होता है, यखनी होता है और गोश्त बनता है, ठीक है। और ये देसी चावल है हमारे यहाँ का, सही है। और इसके अलावा सर कभी रोह, सर ये पहाड़ों पे खास किस्म का फूल होता है, उसका सालन, उसका सालन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, इस टाइम हम क्लास से रवाना हो चुके हैं चित्राल के लिए। हमारा दूसरा दिन का सफ़र शुरू हो चुका है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्लास में भी काफ़ी जगह मकाम हमने देखे हैं, चल आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके बाद हम चित्राल जा रहे हैं। चित्राल में अभी हम लंच करेंगे चेमन कैफे पे। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे जो इनके मखसूस खाने हैं, जो मशहूर डिश हैं यहाँ की चित्राल की, कैलाश वैली की, वो आपको दिखाएंगे और हम खाएंगे और आप मज़े लीजिएगा। तो चलते आएंगे। तो दोस्तों, अभी हम चित्राल शहर की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है, आप देख सकते हैं दोनों साइड पे बाग हैं फल और फ्रूट के। और ये छोटे छोटे चित्राल के इलाके हैं, उनके शॉप्स हैं, मार्केट बनी हुई हैं रोड के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अभी हम बहुत जल्द चित्राल शहर पहुँच जाएंगे। और ये देखें आप, चित्राल शहर यहाँ से शुरू हो चुका है। ये हम अभी बाईपास रोड पे, चित्राल बाईपास रोड वाली साइड से जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये अभी हम ये जो ब्रिज है सामने, इसके नीचे जो दरिया जा रहा है वो दरिया चित्राल है, चित्राल रिवर। तो अभी हम गुज़र रहे हैं। अभी ये जो आगे है सारा चित्राल शहर शुरू हो चुका है। ये चित्राल बाईपास रोड है जो चित्राल एयरपोर्ट की तरफ सीधा जाता है। तो इधर अभी ये सारा चित्राल बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है माशाल्लाह। और अभी हमने यहाँ पर लंच करना है, चीमन कैफ़े जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं चीमन कैफ़े में क्या क्या मिलता है और उसके खाने कितने लजीज हैं। तो दोस्तों, चित्राल शहर जो है वो सतह समुद्र से 4902 फिट ऊंचा है। और ये चित्राल शहर का बाज़ार है माशाल्लाह। और ये है चीमन कैफ़े, इधर अभी हमने जाना है। सर, ये शोला है सर, सही है। चावल होता है, गोश्त होता है, यखनी, ठीक है, जैसे यखनी में पकता है, खिचड़ी टाइप होता है, ठीक है। और इसके अलावा सर कभी रोह, सर ये हमारे यहाँ पहाड़ों पे खास किस्म का फूल उगता है, उसका सालन बनाते हैं हम, ठीक है। ये जिगर की गर्मी के लिए सबसे अच्छा होता है। और इसके अलावा गलमंदी सर, ये दो रोटियाँ होती है, बीच में पनीर होता है और ऊपर देसी घी डाला होता है, चित्राली पिज्ज़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नली पख्ती सर, ये लोकल चावल है हमारे यहाँ का चित्राल का, सही है। और इसके अलावा ये अवेलेबल है सर लहजे, ठीक है। ये क्या चीज़ है? गंदम होता है, गोश्त होता है और यखनी में पका होता है, ये सही है। और इसके अलावा सब्जी, दाल और लस्सी है सर, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप सर ये लहजे के साथ जो गंदम से बनता है, लोकल गंदम होता है, यखनी होता है और गोश्त बनता है, ठीक है। और ये देसी चावल है हमारे यहाँ का, सही है। और इसके अलावा सर कभी रोह, सर ये पहाड़ों पे खास किस्म का फूल होता है, उसका सालन, उसका सालन है, ठीक है। इसके अलावा शुला सर, ये चावल गोश्त और खालिश यखनी में बनता है सर, ठीक हो, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, लंच करने के बाद हम
चित्राल शहर से होते हुए मस्तूज रोड पे निकल रहे हैं। ये आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आई लव चित्राल लिखा हुआ है और ये है चित्राल शहर। तो अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद हम मस्तूज रोड पे हो जाएंगे और ये सीधा बुनी मस्तूज और शंदूर तक जाएगा। तो इंशाल्लाह हम मस्तूज बुनी से होते हुए शंदूर और शंदूर से फिर फंडर वैली, फिर गिलगित, गिलगित से फिर आगे इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे कहाँ जाना है अब हमें। दोस्तों अब हम मस्तूज रोड पे सफ़र कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल सामने जो आपको दरिया चित्राल नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो सामने जो है ये है चित्राल की एयरपोर्ट। और माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत जगह एयरपोर्ट बनी हुई है, बिल्कुल पहाड़ों के दामन में बहुत प्यारा व्यू है। और अभी इंशाल्लाह दोस्तों हम मस्तूज रोड पर निकल गए हैं और हमारा इंशाल्लाह पहला स्टे जो होगा वो मस्तूज में होगा। दोस्तों इस रोड पे वादियां तो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ग्रीनरी भी है, लेकिन अभी जो चित्राल से शंदूर का रोड है या बुनी मस्तूज तक जो रोड है अंताई ख़राब टूटा फूटा, क्योंकि इस पर अभी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द ही ये रोड तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त जो है इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों इस इलाके में बहुत ही अहम खेल जो है वो है फुटबॉल। यहाँ पे ज़्यादातर लोग फुटबॉल और पोलो की जो गोलों पे गेम खेली जाती है ये दो गेमें बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और इधर हर इलाके में छोटा से छोटा गांव भी है, उस इलाके में भी पोलो का ग्राउंड और फुटबॉल का ग्राउंड मौजूद है। तो दोस्तों ये थे मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मस्तूज रोड पे बनारस गांव से आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं व्लॉग अपलोड करूँगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।